होता है जब आप किसी दो वेक्टर को सेम डायरेक्शन में रखते हो या वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन देन दैट गिव्स यू द मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एंड दिस इज 8 न्यूटन. मीन्स जब सेम डायरेक्शन आप सोचिए कि दो फोर्स का इफेक्ट सबसे ज्यादा कब हो 5 न्यूटन इधर ही लग रहा है 3 न्यूटन इधर ही लग रहा है तो ये आपको मैक्सिमम वैल्यू दिया. ओके तो मैक्सिमम वैल्यू अगर आप आर का निकालना चाहते हैं आर का मैक्सिमम मैं यहां पे मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं पर्पसली जिससे कि आप समझ सकें मैक्सिमम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू मतलब सिंपल दोनों का जो सम होगा वो इसका मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा. और फॉर मैक्सिमम वैल्यू एंगल थीटा मीन्स एंगल बिटवीन द वेक्टर्स मस्ट बी 0 डिग्री. जब सेम डायरेक्शन में होगा तो वेक्टर्स मैक्सिमम वैल्यू देगा. क्या ये बातें क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई सबको? यस सर. इसी तरह से अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं आर की मिनिमम वैल्यू मिनिमम आर आर मिनिमम मैं इसमें वेक्टर लगा रहा हूं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं और मैग्नीट्यूड का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा पी मैग्नीट्यूड माइनस क्यू मैग्नीट्यूड मीन्स दोनों का डिफरेंस निकालेगा तो वो मिनिमम वैल्यू देगा. और ऐसे केस में एंगल क्या होना चाहिए? एंगल एक दूसरे के अपोजिट हो. और सिंपली आप देख सकते हो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है कि अगर 5 न्यूटन का फोर्स आपने इधर लगाया और 3 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दिया तो देखिए रिजल्टेंट क्या आ गया आपके पास 2 न्यूटन. ओके तो अब देखिए एक चीज आपको समझनी है कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक का मैग्नीट्यूड 5 है दूसरे का मैग्नीट्यूड 3 है तो रिजल्टेंट इसका मैक्सिमम इसका वैल्यू जो वैरी करेगा वो 2 से लेके 2 टू 8 वैरी करेगा इसके रिजल्टेंट का वैल्यू. मीन्स रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ऑफ 5 न्यूटन वैरीज फ्रॉम 2 टू 8 ऑन द बेसिस ऑफ एंगल. एंगल अगर आप चेंज करेंगे तो सब दोनों के वैल्यूज चेंज होंगे. Am I right, बेटे? क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. तो अब एक क्वेश्चन देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है. क्या पूछा जाता है देखिए कहता है कि एक फोर्स है 12 न्यूटन का दूसरा फोर्स है 16 न्यूटन का या छोटा वैल्यू 8 न्यूटन का और थर्ड फोर्स है 3 न्यूटन का. क्या इस तीनों का सम 0 हो सकता है? क्या इस तीनों का सम 0 हो सकता है? नो, नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है? ध्यान दीजिएगा अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे 12 न्यूटन और 8 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो उसका रिजल्टेंट ये फोर्स मिलेगा. ध्यान से सुनिए इंपॉर्टेंट 12 न्यूटन और 8 न्यूटन का फोर्स अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे लगाऊंगा किसी भी एंगल पे इसका मैक्सिमम वैल्यू 24 होगा और मिनिमम वैल्यू इसका 4 होगा. मतलब मैंने अगर 12 न्यूटन का इधर लगाया और 8 न्यूटन का इधर लगा दिया इस दोनों का रिजल्टेंट हुआ 4 न्यूटन. मतलब रीड्रॉ अगर इसमें डायग्राम को करूं तो ये इस डायग्राम का रीड्रॉ पार्ट जो होगा वो 4 न्यूटन हो जाएगा इस डायरेक्शन में. अब थर्ड फोर्स आपके पास 3 न्यूटन का है आप 3 न्यूटन इसके अपोजिट लगाओगे ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है. क्या बात क्लियर हुई या नहीं? नहीं. बात क्लियर हुई या नहीं?
नहीं हुई। चलो मैं इसको फिर से, मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है बच्चों का। प्लीज पूछा गया देर आर थ्री वेक्टर्स, वन टू और इस दोनों का मैक्सिमम मिनिमम कितना क्रिएट कर सकते हो? 4 न्यूटन। गुड, मिनिमम। तो क्या इस दोनों फोर्स से कभी आप 5 न्यूटन क्रिएट कर सकते हो? यस सर। गुड, तो अगर आपको कहा जाए, नहीं समझ में आया, फिर नहीं समझ में आया, देखो मैंने एक फोर्स इधर लगाया, दूसरा फोर्स भी मैंने इधर ही लगाया, तो मैक्सिमम आया 14। This D, अगर मैं इसका नाम D दे दूं, तो D will be the resultant of vector A plus vector B plus vector C. ये इसका resultant हो जाएगा। तो अब देखिए, एक आप सिंपल वे में समझने का प्रयास कीजिए। अगर कोई क्लोज डायग्राम बन रहा है, मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, एंड हियर द वेक्टर डी इज गिवन, दिस इज डी, इस तरह से मैंने लिया। डायग्राम को डील करना सीखिए, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ये मैंने इस डायग्राम के लिए लिखा है। अगर आप इस क्लोज फिगर को डील कर रहे हो, तो आप एक पॉइंट से चलना शुरू करोगे। मान लीजिए पॉइंट ए से मैं चलना शुरू करता हूं, बी के तरफ जाता हूं, फिर सी के तरफ जाता हूं, फिर डी के तरफ जाता हूं, फिर ई के ए के तरफ जाता हूं। तो जब आप वेक्टर के डायरेक्शन में जा रहे होते हो, तो आप उस वेक्टर को पॉजिटिव लिखते हो, मींस वेक्टर ए पॉजिटिव। वेक्टर बी के डायरेक्शन में जा रहे हो, बी से सी की तरफ जाओगे, तो इसको भी पॉजिटिव लिखोगे, सी के डायरेक्शन में जाओगे तो इसको भी पॉजिटिव लिखोगे, और डी के डायरेक्शन में आओगे तो भी फिर पॉजिटिव लिखोगे। और ये आप जीरो पे पहुंच, मींस ए से चले थे और ए पे ही पहुंच गए, तो ये चारों वेक्टर का सम जीरो हो गया। इस क्वेश्चन में देखो, ये जो हमने लिखा है, इसको मैं इसको एक बार इरेज कर रहा हूं और इसको लिख रहा हूं, इस डायग्राम के लिए लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कैसे लिखेंगे। यहां से हम चलना शुरू करते हैं, यहां से चलते हुए ए की तरफ जाते हैं, तो वेक्टर ए बिकम्स पॉजिटिव। यहां से फिर मैं इस तरफ जा रहा हूं, तो बी इज पॉजिटिव। यहां से मैं फिर इधर जा रहा हूं, तो सी इज पॉजिटिव। अब यहां से मैं जब इधर आ रहा हूं, तो डी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, डी इस डायरेक्शन में है, इस डायग्राम में, तो माइनस डी लिखो एंड इट इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से हम वेक्टर का इक्वेशन बनाते हैं। कोई भी डायग्राम हो, जैसे कि आप पहले डील कर चुके हैं, सपोज कीजिए आपने डायग्राम्स डील किया है, वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, और वेक्टर सी आप इसको लेते थे, दिस इज वेक्टर सी। तो वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, और वेक्टर सी ये है। अगर आप इस क्लोज पाथ पे चलेंगे इधर से इधर, तो ए पॉजिटिव होगा, इधर से इधर फिर जाएंगे तो बी भी पॉजिटिव होगा, और जब आप यहां से इधर आने लगेंगे तो सी नेगेटिव होगा। यही चीज आप लिखते आए हैं अभी तक। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर्स का ऐसा होता है, आप इसी को अभी तक लिखते आए
हो क्या, C इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो जब हम एक से ज्यादा वेक्टर्स को डील करते हैं, दो से ज्यादा वेक्टर्स को, तो हम उस डायग्राम को सिंसियरली देखते हैं और उसके डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्या ये बातें क्लियर हुई सबको? तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चंस करना जरूरी होता है और क्वेश्चंस के बेसिस पे हम सीखते हैं तो ज्यादा अच्छा महसूस होता है। देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड सपोज कीजिए 4 न्यूटन या 4 यूनिट एंड वेक्टर बी ऑफ 3 यूनिट। ए इज इंक्लाइंड विथ एक्स एक्सिस, ए जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस। Resultant रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए कहा तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आएगा, दोनों चीजें आपको फाइंड करनी है। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? ट्राई बेटे, आई एम जस्ट गिविंग यू 10 सेकेंड्स। ओके, मैं सॉल्व करूं इसको, देखिए। वेट सर, x-axis and it is a y-axis. आपको कहा गया वेक्टर ए इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो मैं यहां पे वेक्टर ए को ड्रॉ, देखिए एक बात आप ध्यान रखिएगा, इफ यू आर नॉट ड्रॉइंग डायग्राम देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद द क्वेश्चन। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आप डायग्राम ड्रॉ नहीं करते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन मुश्किल होगा। ये 20 डिग्री का एंगल है, इट इज वेक्टर ए, इट इज 20 डिग्री एंड दिस इज वेक्टर ए। नाउ वेक्टर बी